हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड मैपिंग हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोगों का जो कॉन्टिनेंट है वो कल ही मैंने स्टार्ट किया है। एक नया कॉन्टिनेंट वो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो हमने दोस्तों कल एक नए कॉन्टिनेंट को शुरू किया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने उसका डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है बच्चों, महाद्वीप। तो ये दोस्तों क्या है, ये कॉन्टिनेंट हमने कल शुरू किया था, ठीक है बच्चों। कल मैंने इसमें दोस्तों आपको कनाडा के बारे में, ठीक है, कल मैंने आपको इस कॉन्टिनेंट के जो देश, इसमें देश आप देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। जैसे अभी हम आपको तीन देश मैंने आपको दिखाए हैं, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको, और इसके नीचे भी आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने तीन दिखाए हैं। तो मैंने कल आपको कनाडा के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन पहले मैं इसको वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो अमेरिका को, ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट या कोई भी कॉन्टिनेंट जब हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड का कोई भी कॉन्टिनेंट जब भी हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में बांट के, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है या उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। दो पार्ट में कैसे बांट के पढ़ेंगे, तो मैंने आपको दोस्तों थोड़ा सा उसको सरल करने के लिए, आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आए, इस वजह से मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, तो मैंने इसको दोस्तों एक इसका एक डायमेंशन बनाया, उसका मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है दोस्तों, एक मैंने इसका दोस्तों बनाया है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक, और दूसरा मैंने बनाया दोस्तों इसमें फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन में बच्चों अगर हम बात करें तो जिसको राजनीतिक पक्ष बोल सकते हैं, इसको भौतिक पक्ष बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन में अगर हम बात करें बच्चों तो हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि जैसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन, उसमें कई देश हैं, जैसा कि एक कॉन्टिनेंट में कई देश होते हैं। तो जैसे कि हम बताएं, अगर बात करें तो जैसे कनाडा देश है, तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहाँ पर लोकेटेड है, यानी उसकी स्थिति क्या है, नॉर्थ कनाडा की कैपिटल क्या है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस कनाडा में अगर हमको पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है तो पढ़ेंगे, कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है अगर कनाडा का तो पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, या कोई इंपॉर्टेंट सिटी है कनाडा के अंतर्गत जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट, या कोई इंडस्ट्री अगर वहाँ पर मिल रही है तो उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। यही काम हम यूएसए में करेंगे, जब हम सारे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के जब सारे देशों का पॉलिटिकल पढ़ लेंगे, देन इसके बाद हम इसका फिजिकल शुरू करेंगे। और फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकल में जैसे अगर हम बात करें तो जो नेचुरल चीज़ें होती, जैसे लेक्स हो गई, जैसे रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, अगर हम बात करें तो जैसे डेजर्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, है ना, और इसी तरीके से दोस्तों और भी चीज़ें हैं, प्लेटू हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हम फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत कवर करते हैं। तो कल मैंने अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल पॉलिटिकल डायमेंशन स्टार्ट किया था, और मैंने कल पहली क्लास ली थी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसमें मैंने कल आपको कनाडा के बारे में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो जो भी बच्चे आज क्लास में पहली बार जुड़े हैं, जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, उनसे मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आप लोग पीछे की कल की क्लास जरूर देखें। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने इससे पहले भी दो कॉन्टिनेंट ऑलरेडी करा दिए हैं, कौन कौन से, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बहुत डिटेल से मैंने कराया, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, सारी वीडियो उसमें ऐड भी कर दी है प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैपिंग फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को पिन, उसकी लिंक जो है पिन कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक। ये तो थोड़ा सा दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन हो गया और आपकी चीज़ें रिवाइज हो गई, जो भी नए पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं उनको पता चल गया कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज इसका दूसरा कंट्री है यूएसए। देखो इसमें कंट्रीज कम है लेकिन इसके अंदर की जो एंट्रीज है, कंट्री कम है एंट्रीज ज़्यादा है, मतलब कंट्री देश तो बहुत कम पढ़ लेकिन इसके एक देश के अंदर एंट्रीज बहुत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है हमको, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मैं बोलूं तो शॉर्ट फॉर्म में बोले, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ, है ना,
अमेरिका, कैसे लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसको यूनाइटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये यूनाइट करके बनाया गया है, ठीक है, यूएसए, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले आप अपने मैप में देखेंगे कि इसकी लोकेशंस कहाँ पर हैं। आप अगर लोकेशन देखें तो ये कनाडा के दोस्तों साउथ में, मैक्सिको के नॉर्थ में, और अगर ये तो लैंड फॉर्म्स वाले हो गए, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसके पास यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशियन है, ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ओशियन है। तो अगर हम देखें तो अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो इसके नॉर्थ में दोस्तों कनाडा है, और इसके साउथ में मैक्सिको है। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इसके वेस्ट में यानी इसके पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, और इसके पूर्व में अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और अगर इसके साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर कैरेबियन सी या ये अटलांटिक ओशियन का ही विस्तार है, और इसी में एक छोटा सा आपको सी भी मिलेगा, कैरेबियन सी भी देखने को मिलेगा। तो ये वाटर बॉडीज से इतने इसको चारों तरफ से घेरे हुए, और जो लैंड फॉर्म्स है वो मैंने आपको बता दी कौन कौन से कंट्री, ठीक है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होती है, और ऐसा कुछ उसमें ज्यादा दिमाग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली दिक्कत, बस खाली आपने एक बार नजर दौड़ा ली कि हाँ यहां पर ये इसके अमेरिका की इधर चारों तरफ ये चीजें हैं, बस इतनी चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले हम दोस्तों अगर जानना चाहेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जानने जाएंगे कि जो यूएसए है उसकी कैपिटल क्या है, या यूएसए की कैपिटल क्या है ना। तो हम अगर बात करें बच्चों, तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। एक चीज याद रखिएगा, ये जो वाशिंगटन डीसी है वो आपको इधर दिखेगा, ये आपको ईस्ट में दिखाई पड़ेगा, यहां पर स्टेट है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। लेकिन यहीं पर एक और दोस्तों एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है जो वाशिंगटन है, वो आपको यहां पर मिलेगा, वो आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर इस तरीके से फैला हुआ वाशिंगटन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो एक वाशिंगटन स्टेट है, एक वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी अलग है और वाशिंगटन अलग है। वाशिंगटन जो स्टेट है, ठीक है, वो आपको यूएसए के क्या मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा, और वाशिंगटन डीसी जो है वो आपको यूएसए के ईस्ट में देखने को मिलेगा। आप अपने एटलस में अगर देखेंगे अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, अगर यूएसए के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें दिख लाएंगी, यहां पर वाशिंगटन डीसी दिखेगा, यहां पर वाशिंगटन मिलेगा और यहां पर वाशिंगटन डीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपको याद रखना कि वाशिंगटन डीसी एवं वाशिंगटन ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। जिसमें डीसी लगा है तो वो कैपिटल है, और जो सिर्फ वाशिंगटन है वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट है, किसका, यूएसए का। अब ये भी जानते होंगे कि यूएसए में दोस्तों 50 स्टेट है, पहले 13 स्टेट हुए करते थे, फिर बाद में ये 50 बने हैं, ठीक है। जब ये यूएसए बना था वास्तव में, तो उस समय मात्र इसके 13 देश थे, मात्र 13 देशों ने मिलकर दोस्तों अल्बेनी कांग्रेस में, मैं अभी अल्बेनी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अल्बेनी कांग्रेस में मिलकर दोस्तों एक बनाई थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, है ना, तो 13 देश मिलकर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट अब बनाया था, बाद में इसका विस्तार हुआ है, बाद में आज की अगर प्रेजेंट बात करें तो इसके 50 स्टेट हैं, ठीक है, यूएसए में, ठीक। जब ये यूनाइट हुआ था तो उस समय 13 स्टेट थे, ठीक है, लेकिन बाद में इसके कितने हो गए, 50 स्टेट हो गए, ठीक है। तो ये बात अगर हम बात करें दोस्तों, कैपिटल वाशिंगटन डीसी की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम, आप जानते हैं कि इसमें 50 स्टेट है, तो हम 50ों को तो नहीं पढ़ेंगे, हमको क्या करना है भाई, वो यूएसए वाले जाने, हम अपने इंडिया अपने स्टेट तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही से याद नहीं कर पा रहे, हम उनका क्यों पढ़ने जाएंगे, हम वही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेट है जो पढ़ेंगे, ठीक है। 50 के 50 हमको याद नहीं कर, उनका वो 50 याद करने किसका काम है, अमेरिका वालों का, वो अपने यहाँ सिविल सर्विस होगा उसमें पढ़ेंगे, वहाँ देंगे वो लोग, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है। हमें अपने सिविल सर्विस के लिए या हमें अपने एग्जाम्स के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ के स्टेट है वो जानने होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमें अपने जो स्टेट हम उनको याद करेंगे, इनके क्यों 50 के 50 याद करेंगे, ठीक है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। सबसे पहले दोस्तों ये जो अलास्का आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए अलास्का, पहला एक स्टेट यहाँ पर डालेंगे दोस्तों ये अलास्का, ठीक है, यहाँ पर आपको डालेंगे ये दोस्तों अलास्का, ठीक है, नंबर डालते चलेंगे 1 है अलास्का, ठीक है, ये यूएसए का ही पार्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, इससे अलग जरूर है लेकिन ये पार्ट ऑफ यूएसए का ही है, ठीक है। अलास्का, अलास्का दोस्तों क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, यानी जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें, ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है, तो ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे इट इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ
लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए किसमें, अगर थोड़ा सा आप ब्रैकेट में कर लीजिए एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज, एरिया वाइज, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर एरिया वाइज, इट इज अ लार्जेस्ट स्टेट, इट इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यानी या यूएसए का सब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, हिंदी वाले लिखेंगे, या यूएसए का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, लोकेशन आप देख पा रहे होंगे अपने एटलस में भी और यहां पर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट जो स्टेट है, यहीं पर मैं आपको और लिखा दे रहा हूं, जो नेक्स्ट स्टेट है वो है दोस्तों टेक्सास, टेक्सास, ठीक है, टेक्सास। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दोस्तों कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी यहां पर एक चीज जाने, टेक्सास जो है दोस्तों, टेक्सास जो है ये दोस्तों क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी देखो मैं एक चीज बता देता हूं, हालांकि ये सेकंड लार्जेस्ट ही है, लेकिन मैं एक आपको एक और फैक्ट बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये जो जैसे कि आप जैसे कि आप देखेंगे, ये जो टेक्सास है ये भी दोस्तों क्या है, यूएसए का लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन कैसे मामले में अगर हम बात करें, कैसे दो कैसे हो सकते हैं, तो दोस्तों दो नहीं है, एक ही है। ये दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये मेनलैंड में दोस्तों क्या है, जैसे कि देखो अगर आप बात करेंगे जो अलास्का है वो यूएसए से अलग पार्ट में है, लेकिन अगर टेक्सास देखेंगे तो टेक्सास आपको दोस्तों यहां पर मिलेगा, टेक्सास देखो आपको अगर देखेंगे तो आप यहां पर आपको टेक्सास मिलेगा, ठीक है, टेक्सास यहां पर स्टेट मिलेगा। तो ये दोस्तों कहां पर है, ये यूएसए के मेनलैंड में है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम अंडमान निकोबार द्वीप जब से पढ़ते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप हमारे भारत के मेनलैंड में नहीं आता, इसीलिए जो हमारे भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, अगर हम पूछते हैं कभी कभी सबसे दक्षिणी, तो हम बताते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर पूछते हैं मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु, तो फिर हम बताते हैं कन्याकुमारी। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत के भाग से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो टेक्सास है वो यूएसए के पार्ट से जुड़ा हुआ है ना, ये अलग है, ये मेनलैंड में है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए यूएसए का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप हमेशा टेक्सास बताएंगे। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप अलग सा बताएंगे। दोनों का अंतर आपको समझ में आया, दोनों का अंतर ये जानना है कि ये मेनलैंड में है सबसे बड़ा, और ये वैसे ऑल ओवर सबसे बड़ा है, ठीक है, ये ऑल ओवर सबसे बड़ा है, और ये मेनलैंड में यानी जो यूएसए है उसके पार्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें दोस्तों ये क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है। यही चीज आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। तो इट इज अ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ मेनलैंड ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे, इट इज लार्जेस्ट स्टेट, अब इसमें यहां पे लिख लीजिएगा मेनलैंड, ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट करके, तो आपको आपको आराम से पता रहेगा मेनलैंड। इट इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका, और मेनलैंड को मत भूलिएगा, ठीक है, यही दोनों में फर्क है सिर्फ। वो ओवरऑल दोस्तों अलास्का दोस्तों क्या है, यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन मेनलैंड में अगर हम बात करें, मेनलैंड जो यही अफ्रीका जो अमेरिका की जो आपको पास में ही दिखे जो मेनलैंड में, ठीक है, तो वो अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, वो टेक्सास। बस एक शब्द को याद रखना है, मुख्य भूमि कभी हिंदी में पूछा जाए या दोस्तों मेनलैंड अंग्रेजी में पूछा जाएगा, तो जो हिंदी वाले लिखेंगे या अमेरिका का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है, लिखेंगे हिंदी वाले या अमेरिका का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है, या अमेरिका का मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, वो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अलास्का है, और अगर मेन भूमि मेनलैंड पर पूछा जाए तो हमेशा टेक्सास। ये याद रखना है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है, इसको आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखना है। अब यही टेक्सास की बात हो गई, टेक्सास में दोस्तों दो सिटीज है, दोस्तों दो सिटी है दोस्तों, एक का नाम है दोस्तों डलास, ठीक है, डलास, और दूसरे का नाम है फोर्ट वर्थ, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको बस ऐसे याद रखिएगा, एक दोस्तों सिटी है दोस्तों, ये दोस्तों सिटी है DALLAS डलास, और दूसरा है दोस्तों फोर्ट वर्थ WORTH, ये क्यों फेमस है, तो दोस्तों इनको क्या है, टेक्सास का दोस्तों ट्विन सिटी कहा जाता है, इन दोनों को टेक्सास की ट्विन सिटी, ट्विन सिटी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ट्विन सिटी,
ठीक है, ये ट्विन सिटी है किसकी, टेक्सास की, डलास एवं फोर्ट वर्थ। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई भी पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी साइल पेपर में पूछा जा सकता है कि टेक्सास की कौन सी सिटी जो है, उनको दो सिटी है जिनको ट्विन सिटी कहा जाता है, तो याद रखने डलास एवं फोर्ट वर्थ, ठीक है, इनको ट्विन सिटी कहा जाता है, किसका, टेक्सास का, डलास एवं फोर्ट वर्थ, दो तीन बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेक्सास, अब मैं आपको देखो टेक्सास की लोकेशन दिखा दिया मैंने आपको, यहां पर है टेक्सास, ठीक है, टेक्सास, ठीक है, टेक्सास आपको यहां पर मिलेगा, ठीक, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको टेक्सास दिख जाएगा, बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है, टेक्सास, ठीक। ये तो ये आपको तीन, इतने तीन स्टेट, पहले दो स्टेट के बारे में आपको क्लियर हुआ, ठीक है, दो स्टेट के बारे में इतना क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देन हम आगे आते हैं, आगे हम आएंगे तो अब हम ये भी मिटाल देंगे, तो अब आगे हम, क्योंकि हमें ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब आप लिखिए, इसको लिखते चलिएगा। ट्विन सिटी मतलब दोस्तों होता है जुड़वा शहर, ठीक है, ट्विन सिटी अगर जिसको हिंदी में लिखना हो उसको लिख देगा जुड़वा शहर बोलते हैं, ठीक है, थीके? क्या बोलते हैं, जुड़वा शहर। डलास एवं फोर्ट वर्थ को दोस्तों ट्विन सिटी बोलते हैं, किसका, टेक्सास का, ठीक है, टेक्सास एक स्टेट है देख, ठीक है, और जो डलास एवं फोर्ट वर्थ जो है वो शहर है, सिटी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो आप आज तक सोचते हो कि ये शहर राज्य थे, इनके राज्य नहीं है, आपको शहर, छोटे छोटे शहर है ना, आपको कुछ ऐसे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लगता होगा, ये तो ये क्या पढ़ता था मैं आज तक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद दोस्तों आएंगे, आप जब, ठीक है, ये हम इतने पढ़ लिए, इसके बाद देखो आप यहां पर आएंगे अपने मैप में, आप इस जगह पर आएंगे, आप अपने मैप में इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर आपको दोस्तों एक स्टेट, ये मैं ये भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक स्टेट आपको मिलेगा दोस्तों, कैलिफोर्निया, ठीक है, कौन सा स्टेट मिलेगा, कैलिफोर्निया, ठीक है, सी मैं लिख दे रहा हूं आपको, लिख दें, मैं यहां पर सी लिख दे रहा हूं और यहां पर आपको बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, कैलिफोर्निया, क्या मिलेगा, कैलिफोर्निया, हिंदी वाले कैलिफोर्निया, इसका नाम तो बहुत सुनते होंगे दोस्तों, आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कैलिफोर्निया में दोस्तों हमको तीन, इसके तीन सिटी पढ़नी है, ये कैलिफोर्निया दोस्तों स्टेट है, कोई सिटी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट है, किसका, यूएसए का, 50 स्टेट पढ़ा है, तो आज आपको याद, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि ये स्टेट थे या शहर, या स्टेट है या सिटी है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी आज मैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको एक सिटी मिलेगी दोस्तों, है ना, इसमें आपको सबसे पहले एक सिटी मिलेगी कैलिफोर्निया की, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, इसकी एक दोस्तों सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जैसे मैं आपको लिखूंगा एज इट इज वैसा ही आपको लिखते, मतलब ऐसे आपको एक बनाना है और ऐसे आपको लिखते चलना है, ठीक है, मैं डिफरेंट पेन का यूज करूंगा यहां पर, हाँ। तो दोस्तों यहां याद रखना है, यहां लिखते चलिएगा मेरे साथ, यह प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहली चीज यह याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को के बारे में, पहली चीज सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इट इज अ लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, और किसका, यूएसए का, यूएसए का पैसिफिक ओशियन में स्थित, यूएसए का ये सबसे बड़ा पोर्ट है, यूएसए का पैसिफिक ओशियन में स्थित ये सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पैसिफिक ओशियन में यूएसए का, ठीक है, तो याद रखिए यह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, ठीक है, यूएसए का, यूएसए का ऐसे लिख सकते हैं या तो, या यूएसए का प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह, बट वो कंफ्यूजन करेगा आपको, लेकिन इसलिए मैंने आपको इसीलिए लिखा दिया या प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, और ये बस इतना याद रखिए कि यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, ये याद है। फिर इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ, ठीक है, यह, यह, ठीक है, यह, ठीक है, इस, हाँ, इसे एक चीज और लिखिएगा, छुटिए ये लिखिए, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको दोस्तों सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन
गोल्डन गेट कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपसे सीधे पूछा जा सकता है किसे, है ना, गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। तो इसी और आप ऐसे ही लिख लीजिए दोस्तों हिंदी को, ऐसे ही जैसे लिख दीजिए सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ठीक है, ऐसे ही मत ऐसे ही लिख लीजिए सीधे सीधे हिंदी वाले भी, सिटी ऑफ गोल्डन गेट ऐसे लिख दीजिए हिंदी में। आपको अगर लिखना है तो आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिए सिटी ऑफ, यही पूछा जाएगा सीधे, ठीक है, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, ठीक है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, ये याद हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गए, अगर हम आ गए तो नेक्स्ट इसमें दोस्तों इसको या दोस्तों इट इज अ फेमस फॉर, लिखिएगा दोस्तों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूं, है ना, इट इज अ फेमस फॉर, अ फेमस फॉर, फेमस फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली, ये सिलिकॉन वैली के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है सीधे सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, इट इज अ फेमस फॉर सिलिकॉन वैली, ठीक है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों क्या है, सिलिकॉन वैली, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये तो याद लिख लीजिएगा, यह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, यह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, यह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है, सिलिकॉन घाटी के लिए या घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात उतनी क्लियर है सैन फ्रांसिस्को के बारे में, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर हो गई होगी। मैं आपको अभी एक चीज और लिखाऊंगा, लेकिन आप अभी पहले लिखते चलिए ये चीजें, ठीक है, सिलिकॉन वैली। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर कैलिफोर्निया में ही दोस्तों एक दूसरी सिटी है जिसका दोस्तों नाम है, क्या नाम है दोस्तों बताइए आप लोग दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है, तो लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों इसको सिटी ऑफ हॉलीवुड भी कहा जाता है, इसको सिटी ऑफ, जो आप लोग हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखते हैं ना, उसका हेडक्वार्टर दोस्तों यहीं पर है, लॉस एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स में, ठीक है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको सिटी ऑफ हॉलीवुड बोला जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, सिटी ऑफ हॉलीवुड, सिटी ऑफ हॉलीवुड, है ना, हॉलीवुड का शहर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये हिंदी में देखो बोलने में थोड़ा ऑड लगेगा, मगर इंग्लिश में बोलने में कितना अच्छा लगता है, सिटी ऑफ हॉलीवुड, है ना, तो ऐसे लिख लीजिए लॉस एंजल्स दोस्तों किसी में है, कहां पर है, कैलिफोर्निया में एक सिटी है दोस्तों, एक शहर है लॉस एंजल्स, उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ हॉलीवुड बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए लॉस एंजल्स कहां पर है, कैलिफोर्निया में, किस लिए फेमस है, तो सिटी ऑफ हॉलीवुड, यानी हॉलीवुड जो मूवीज बनती है वहां ये उसके लिए ये फेमस है, यहां पर उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जैसे हमारे यहां मुंबई है, मुंबई जैसे हमारे यहां राज्य है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से यह है, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई एक शहर है ना, मुंबई महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई एक शहर है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है, सॉरी महाराष्ट्र राज्य है, इसी तरीके इनका क्या है, कैलिफोर्निया एक राज्य है और हमारे यहाँ क्या, मुंबई एक सिटी है, तो इसी तरीके क्या है, लॉस एंजल्स सिटी है, ठीक है, हमारे जैसे मुंबई हो गई, इनके यहाँ जैसे ही ऐसे इनके यहाँ क्या है दोस्तों, लॉस एंजल्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसमें दोस्तों एक पोर्ट पढ़ना है आपको, सैन डियागो पोर्ट, सैन डिगो पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसकी लोकेशन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, सैन डिगो पोर्ट, DIEDIEGO पोर्ट, सैन डिगो पोर्ट, ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी लोकेशन, देखो आपको दोस्तों यहां पर आपको कैलिफोर्निया मिला होगा, सैन फ्रांसिस्को यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहां पर आपको सैन डिगो पोर्ट मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको लॉस एंजलिस मिलेगा, ऊपर यहां पर आपको सैन फ्रांसिस्को मिलेगा, ये तीनों ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, तीनों ही ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है, तीनों, तो आपको ऊपर यहां पर सैन फ्रांसिस्को मैं एस लिख दे रहा हूं, सैन फ्रांसिस्को एस, है ना, लॉस एंजलिस एल, और ये सैन, एंड ये क्या है, पोर्ट है, सैन डियागो पोर्ट, सैन डियागो पोर्ट, ये आपको यहां पर मिलेगा। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को किस लिए, किसके फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजलिस दोस्तों सिटी ऑफ हॉलीवुड कहा जाता है, और सैन डियागो पोर्ट जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो दोस्तों पोर्ट है, ठीक है, और ये याद रखिएगा ये यहां पर है, ठीक है, ये यहां पर है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक, इतनी चीजें हो गई कैलिफोर्निया के बारे में, तीन स्टेट हम पढ़ चुके हैं,
कौन कौन से? अलास्का पढ़ चुके हैं, टेक्सास पढ़ चुके हैं, कैलिफोर्निया पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट के हम आगे आते हैं दोस्तों, चलिए लिखते चलिएगा साथ में सारी चीजें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आपको ये मिलेंगी ही मिलेंगी, ये गारंटी है मेरी आपसे, ठीक है। और आपको लोकेशन तो मैं दिखा ही रहा हूं, आपको अपने मैप में भी दिख रहा होगा, यहां पर मैं दिखा भी दे रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सिटी है उसका नाम है दोस्तों नेवाडा, डालिएगा दोस्तों नेवाडा, नेवाडा मत डालिएगा, सॉरी यहां पर लिखिए पहले ओरेगन डाल लीजिए, एक और सिटी ओरेगन, नेक्स्ट सिटी है दोस्तों ओरेगन, ओ आर ई जी ओ एन, ओरेगन, ओरेगन, ठीक है। ये दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर दोस्तों एक शहर है सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एक शहर मिल रहा होगा लॉस वेगास, आप नाम सुनते हैं ना हमेशा लॉस वेगास, लॉस वेगास, तो लॉस वेगास दोस्तों कोई राज्य नहीं है, ओरेगन एक उसका राज्य है और उसके अंदर एक सिटी है लॉस वेगास, ठीक है। लॉस वेगास दोस्तों वहां पर आपको मिलेगा, ओ सॉरी सॉरी एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये ओरेगन का नहीं और ये नेवाडा का, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे कंफ्यूज कर दिया, ये नेवाडा, नेवाडा सॉरी सॉरी नेवाडा में है दोस्तों, नेवाडा, नेवाडा, नेवाडा में, ठीक है। ये दोस्तों कंफ्यूजन हो गया मुझे, ठीक है, लॉस वेगास यहाँ पर है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने पहले नेवाडा बोला ही था और मैंने फिर बाद में ओरेगन लिख दिया, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो नेवाडा एक स्टेट है, ठीक है, इसका किसका, इन्हीं का, और लॉस वेगास दोस्तों नेवाडा के अंदर एक शहर है, एक सिटी है, उसको इसलिए इंपॉर्टेंट, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लॉस वेगास कहाँ पर स्थित है, तो नेवाडा में स्थित है, ठीक है। आप नाम सुनते रहते हैं हमेशा लॉस वेगास, बहुत सारी मूवियों में आप नाम सुनते हो, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियों में इसका नाम आता रहता है लॉस वेगास, तो लॉस वेगास कहाँ पर है, नेवाडा एक सिटी है, सॉरी एक नेवाडा एक स्टेट है और उसके अंतर्गत लॉस वेगास है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, नेवाडा, ठीक है। नेवाडा देखो, नेवाडा आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, यहां पर, अब यहां पर मैं आपको एक स्टेट और पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों ओरेगन, ओरेगन आपको यहां पर मिलेगा और नेवाडा आपको इसके इधर पे मिलेगा, ठीक है। नेवाडा, एन फॉर नेवाडा यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, नेवाडा आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर आपको दिखेगा, ठीक है। नेवाडा समुद्र से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, एन फॉर नो, नो बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद आप डालेंगे दोस्तों ओरेगन, नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट स्टेट दो है आपका ओरेगन। मैंने क्या कहा, सारे स्टेट में ही पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि ये बॉर्डर समुद्र के किनारे है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट ओरेगन में दोस्तों एक आपको इंपॉर्टेंट प्लेस मिलेगा देखने को, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों पोर्टलैंड। क्या नाम है? पोर्टलैंड, पोर्टलैंड। ये दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों जो हम लोग जो जहाज नहीं होते, जो शिप जो होते हैं, जहाज जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके उनके दोस्तों इंडस्ट्री है यहाँ पर पोर्टलैंड में, पोर्टलैंड में, ओरेगन के पोर्टलैंड में क्या है, शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी यह जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लिख लीजिए, यह जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जहाज निर्माण मतलब पानी वाला जहाज, वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं, वो जहाज वाला, शिपिंग मतलब शिप वाला, ठीक है ठीक है, जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह लिख लीजिएगा, निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाज रानी लिख लीजिएगा वरना जहाज से आप कंफ्यूज हो, या जहाज रानी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या जहाज रानी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जहाज है, जहाज देखो पानी वाला जहाज, वो वाला नहीं, ठीक है, पानी वाले जहाज के लिए, ठीक है। तो शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है पोर्टलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी किसी भी पेपर में, ठीक है ठीक। ये हो गया ओरेगन हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट आएंगे और आगे देखते चलेंगे, ठीक है, लिखते चलिएगा। देखो सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अब हम आगे जो नेक्स्ट है उसका नाम है दोस्तों कोलोराडो, 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 ठीक है, कोलोराडो।
कोलोराडो दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑयल होता है, जैसे हम लोग क्रूड ऑयल जब निकालते हैं तो ऐसा कि नहीं कि सीधे जमीन से निकाला हम सीधे उसको यूज करने लगते, नहीं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, यानी उसको उसमें क्या होते हैं, जो उसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो गंदी कचरा होते हैं वो अलग करते हैं, और उसमें से जो यूज जो एनर्जी होती है उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो हम इस अब ये अमेरिका में कहाँ पर होता है, तो वो अमेरिका में दोस्तों कोलोराडो में ही होता है। कोलोराडो एक राज्य है, उसी राज्य के अंतर्गत दोस्तों क्या है, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है दोस्तों, ठीक है। तो इट इज अ फेमस फॉर, लिख लीजिएगा, इट इज अ फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, है ना, इट इज अ फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, यह है ना, ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, रिफाइनिंग ऑयल, तेल रिफाइनिंग उद्योग, ऐसे हिंदी लीजिए, यह तेल रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, यह तेल रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हिंदी वाले लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कोलोराडो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोलोराडो दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको कोलोराडो मिलेगा, आपको बड़ा सा आपको दिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, बीच में आप देखेंगे आपको कोलोराडो दिख जाएगा, ठीक है। कोलोराडो के बाद दोस्तों एक आपको इंपॉर्टेंट एक और पढ़ना है, उसका नाम है इलिनॉइस, ये मेरे को तो और ये कंफ्यूजन है, बोल ही नहीं पाऊंगा इसको, तो इलिनॉइस, ठीक है, इलिनॉइस दोस्तों एक स्टेट है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ाने वाला हूं, आप शिकागो नाम सुनते रहते हैं ना, शिकागो जो है इसी का एक शहर है दोस्तों। मैंने क्या बताया, आज आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको आज तक आप जानते हैं उनके बारे में, लेकिन आपको कंफर्म नहीं रहता कि किस स्टेट कौन स्टेट है कि ये सिटी है। तो ये चीजें आपको आज के बाद कभी यूएसए में कभी इस चीज की दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो शिकागो दोस्तों क्या है, इलिनॉइस एक स्टेट है इसका, है ना, उसी में दोस्तों शिकागो एक शहर है, इसका शिकागो सिटी है, शिकागो, ठीक है, शिकागो दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, शिकागो एक सिटी है यहां का, ठीक है, ठीक याद रखिएगा, इलिनॉइस का दोस्तों शिकागो एक सिटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, शिकागो है यहां पे। फिर इसके बाद इसमें दोस्तों एक और पढ़ना है आपको, मिशिगन दोस्तों, ठीक है, मिशिगन दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिशिगन, ठीक है, इलिनॉइस, शिकागो और इसके बाद मिशिगन किस लिए इंपॉर्टेंट, तो यह ऑटोमोबाइल, यह अमेरिका का, लिखिएगा, यह अमेरिका का, मिशिगन के बारे में लिखिए, यह अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, निर्माण क्षेत्र है, या अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मिशिगन फेमस किस लिए है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद हो रही हैं, सारी चीजें अभी देखो आप पढ़ लीजिए एक बार, इसको रिवीजन जब करेंगे आप तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, तो इसको फटाफट लिखते चलिए, देखो आपको दिखाता हूं मैं यहां पर, आप यहां पर कई आपको यहां पर कई लेक्स दिख रही होंगी, आप देखिए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, आप अपने एटलस में देखिए, आपको एटलस में यहां पर कई सारी लेक दिख रही होंगी, अब वहीं पर एक आपको मिशिगन लेक दिखेगी, मिशिगन लेक के जस्ट नीचे आप जब जाएंगे तो आपको इलिनॉइस मिलेगा, और इलिनॉइस जो है ना शिकागो दोस्तों एक पोर्ट भी है, शिकागो जो है वो आपको एक जो लेक्स है उसी के पास में आपको मिलेगा, वो लेक्स भी है, ठीक है, जो शिकागो है, शिकागो दोस्तों पोर्ट भी है, ठीक है, और इसी के पास में यहाँ पर कई सारी लेक है, यहीं पर आपको इलिनॉइस दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक, इसको लिख लिया फट से आपने, चलिए अब हम आगे चलेंगे, इसी के जस्ट आगे, ठीक है, एक और
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने कुछ ज्यादा चीजें नहीं लिखा रहा हूं, इसलिए एक स्टेट में जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वही लिख रहा हूं, वरना पढ़ना तो बहुत कुछ रहता है। ठीक है, इतनी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे पूरे स्टेट, जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और स्टेट इसमें हम और देखेंगे वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ओहियो, ओ एच आई ओ। ठीक है, इसमें दोस्तों एक प्लेस है, इसमें एक सिटी है दोस्तों, एकरोन, एकरोन। ठीक है, एकरोन दोस्तों एक सिटी है। ठीक है, एकरोन दोस्तों एक सिटी है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक यानी रबड़ एवं दोस्तों क्या है, टायर बनाने वाला केंद्र है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ एवं टायर बनाने वाला, टायर जो साइकिल के टायर और जो गाड़ी के साइकिल जो टायर होते हैं उनको बनाने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। तो लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा यह दुनिया का, लिखिएगा एकरोन। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर तथा टायर बनाने का केंद्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, का केंद्र है। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसमें एकरोन कहां पर है, किस स्टेट के अंतर्गत है एकरोन, तो एकरोन दोस्तों ओहियो एक स्टेट है यूएसए का, उसी के अंदर एक सिटी है एकरोन, जहां पर दोस्तों क्या होता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ तथा टायर बनाने का केंद्र है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकरोन के बाद, ओहियो के बाद जिससे आपको आपको आप आगे आना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमको चलना है दोस्तों पेंसिल्वानिया, एक स्टेट है दोस्तों पेंसिल्वानिया। हाँ ये ठीक है, पेंसिल्वानिया में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट शहर है दोस्तों, उसका नाम है पिट्सबर्ग। ये आप सभी जानते होंगे, ये स्टील एवं दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, इसको स्टील, ये बहुत फेमस है, सबको ही जानता होगा इसके बारे में, इसको आयरन एवं स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पिट्सबर्ग को आयरन एवं स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसको दोस्तों लोहा एवं स्टील है ना, इसको विश्व की आयरन एवं दोस्तों लोहा एवं स्टील राजधानी बोला जाता है। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा स्टील एवं आयरन होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इसके बारे में दोस्तों, आप सभी जानते हैं वैसे तो, मगर लिख लीजिएगा ये है कहां पर, तो पेंसिल्वानिया की स्टेट है, उसके अंतर्गत पिट्सबर्ग आता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कोई भी चीजें ऐसी नहीं मिलेगी कहीं पढ़ने को, तो आपको याद रखना है इसको, क्या याद रखना है, तो आपको आयरन एवं इसमें लिख लेना है आयरन एंड स्टील कैपिटल, आयरन एवं स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एवं स्टील कैपिटल इसको बोला जाता है ना, ऑफ द वर्ल्ड की दोस्तों। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, फटाफट लिखते चलिएगा। और ये दोस्तों आपको पिट्स वाले पेंसिल वाली है दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, इधर देखिएगा आप, इसके यहां पर आपको इस जगह पर मिलेंगी आपको ये सारी चीजें। ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी एंट्रीज है ना, आप वहां ढूंढने जाकर खुद ही खो जाएंगे, आप ढूंढने जाएंगे, छोटे छोटे इतने सिटीज यहां पर दिखेंगे, यहां पर इस जगह पर, ये जो मैं हाथ रख रहा हूं यहां पर, आपको जब उनको ढूंढने जाएंगे किसी भी एंट्री को, तो आप खुद ही उसमें खो जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर एंट्री है। ठीक है, तो आपको यहां पर मैं आपको एटलस में दिखा देता हूं, देखो मैंने तो हालांकि मैंने यहाँ पे देखो पेन से कर भी रखा है, तो आपको शायद ना दिखे। देखो ओहियो दोस्तों क्या है, आपको एक लेक इरी के पास, देखो देखिए नीचे ओहियो दिखा है, लेक इरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा सा, मैं और थोड़ा पास आके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको लेक इरी दिख रहा है, लेक इरी के नीचे ओहियो, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पेंसिल्वानिया, और उसी के जस्ट ऊपर आपको न्यूयॉर्क मिलेगा शहर। अभी मैं न्यूयॉर्क ही पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको छोटे छोटे, जैसे आपको मैंने क्या पढ़ाया, जैसे टेक्सास यहाँ पढ़ाया,
देखो यहाँ पर आपको मैंने ओरेगन पढ़ाया, फिर यहाँ पर मैंने कैलिफोर्निया पढ़ाया, ये देखो नेवाडा यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको देखो कोलोराडो जो आपको पढ़ाया वो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ए कहाँ गया, छोटा सा एक एक देश है मतलब राज्य है, यहीं पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें तो ये आपको लिखना है फटाफट, इनको चीज़ें जानना है, तो पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है, लिख लिया। चलिए देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको यूट्यूब पे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है ना, अब जैसे अगर आपको अभी बोरिंग सा फील हो रहा, मैं मजाक नहीं करूं, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है, याद ही नहीं। मैं कह रहा हूं दोस्तों अब क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्वेश्चन पूछ लिया तब फिर। लेकिन एक चीज यह भी है, जब एक बार आप लिख लेंगे, एक दो तीन बार आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपको एक एक चीज याद हो जाएगी, कोई भी चीज ये नहीं होगी। हाँ रिवीजन की जरूरत होगी, मैं ये जरूर बोलूंगा, लेकिन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा तो होगा जरूर कि जब आप अगर क्वेश्चंस में दिया होगा और आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप जरूर पहचान लेंगे कि नहीं ये इसलिए फेमस है, ये इसलिए नहीं है, इतना तो जरूर होगा, मैं ये इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। और वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी होगा। अदरवाइज देखो मजे वाली चीजें तो मैं भी लेकर आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाता इस सबको स्किप कर देता, मैं चार चीजें पढ़ाता। और मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे देखिएगा, मात्र यूएसए में चार चीजें पढ़ाते हैं, एक बता दो कैलिफोर्निया स्टेट पढ़ाते हैं, मैं खुद ही गिना देता हूँ आपको, टेक्सास के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उधर जाएंगे दोस्तों पेनिसिलिया को, ये पिट्सबर्ग सब लोग जानते हैं इसको बता देंगे, और इधर आपको फिर इसके बाद आपको नेवाडा में लॉस वेगास करके दिखा देंगे, बस चले गए, इसके बाद आपको कह देंगे इतना ही फेमस है। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा भी आंसर क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो वो उसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हो सकता है कि आपको इस टॉपिक्स में अभी बोरिंग सा हो रहा, मैं खुद ही पढ़ाते समय मुझे खुद ही मतलब मैं खुद ही पढ़ता था जब इसको, मुझे खुद बोरिंग सा लगता था, अरे पता नहीं क्या है कितना चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है ये भी है दोस्तों, जब एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार रिविजन कर लेंगे दो तीन बार, आपको जीवन में कभी इस चीज़ से दुख नहीं होगा कि हाँ कि आप यूएसएस पूछिए कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना ज्योग्राफी में बढ़ने लगे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों ये मैपिंग बेस्ड होता है और मैपिंग से क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पेंसिलवानिया पढ़ा दिया, इसके बाद हम दोस्तों न्यूयॉर्क देखेंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क दोस्तों एक स्टेट है और उसमें एक सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क अगली जो, ठीक है, इसमें एक सिटी है दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, इसको सिटी ऑफ स्क्रैपर भी कहा जाता है, न्यूयॉर्क सिटी को दोस्तों क्या बोला जाता है, बस इसी यही लिखना है दोस्तों, इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बोला जाता है, इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, स्क्रैपर्स, ठीक है, स्क्रैपर्स, ठीक है स्क्रैपर्स, इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बोला जाता है। तो दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी को, न्यूयॉर्क कहां पर है दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा और इसी के जस्ट नीचे न्यूयॉर्क सिटी मिलेगी, ठीक है। न्यूयॉर्क एक स्टेट है और उसी में दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क तो आप सभी जानते हैं कि इसलिए फेमस है, बहुत सारे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो जो आप करें कन्वेंशन जो क्या कहते हैं, बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके बहुत सारे का ये दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे, ठीक है। आपको बताना है मुझे एक दो, आप नाम मुझे बताइएगा एक दो, ठीक है, जिनका आपको याद हो कि ये न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर, मतलब किसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसको, ठीक है। अब दोस्तों ठीक है, यहाँ पर न्यूयॉर्क आप देख लिए, आप देखो मैं लोकेशन दिखाता भी जा रहा था कि आपको दिख जाए, यहाँ पर न्यूयॉर्क दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे दोस्तों, एक यहाँ पे एक अल्बेनी है, अल्बेनी दोस्तों बहुत फेमस प्लेस है इनका, आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी तक अल्बेनी के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अल्बेनी कांग्रेस ना दोस्तों यूनाइटेड करने में, अमेरिका को यूनाइटेड करने में दोस्तों अल्बेनी प्ले जो जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों अल्बेनी कांग्रेस का ही गठन किया गया था, ठीक है, जहां पर 13 जो थे उनको बुलाया गया था, लेकिन नहीं आए थे सब, नहीं आए थे, ठीक है, तो 6 या हाँ ठीक है सब नहीं आए थे। तो यहाँ पर पहली बार अल्बेनी कांग्रेस एक यूनाइटेड स्टेट को बनाने के लिए पहली बार इसमें एक संकल्पना आई थी यहाँ पर अल्बेनी कांग्रेस में, जहाँ पर सारे जो 13 जो जो राजा थे, 13 राज्य थे वहाँ पे, अलग अलग राजा थे, उनको बुलाया गया था अल्बेनी कांग्रेस में। तो अल्बेनी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब आप वहाँ पर अल्बेनी कांग्रेस का नाम सुनेंगे, ठीक है, अल्बेनी कांग्रेस, यहीं से उनका जो संसद का नाम है, यहीं से उसका नाम, संसद का नाम उसका कांग्रेस भी पड़ा है,
ठीक है, अल्बेनी में कांग्रेस में पहली अल्बेनी कांग्रेस बुलाई गई थी, यहीं से उनकी संसद का जो नाम है उनकी संसद को कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ संसद उनकी संसद को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको अल्बेनी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, या आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कभी पढ़ेंगे तो आपको अल्बेनी का नाम सुनने का मिलेगा, ठीक है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, फेमस फॉर, लिख लीजिएगा, फेमस फॉर, है ना, फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चों, पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद हो गया अल्बानी जान अल्बेनी का अल्बेनी जो स्टेट है इसलिए जान गया, ठीक है, ये स्टेट यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, अल्बेनी। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टेट बताने जा रहा हूं, ये स्टेट है दोस्तों, ये शहर नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है। इसके बाद आपको याद है ना फ्लोरिडा, ठीक है, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में अंतर है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आपको देखो ये दिख रहा है, ये आपको ये एक पेनिनसुला भी है, मैं अभी आपको जब फिजिकल पार्ट पढ़ाऊंगा तब यहां पर आपको ये फ्लोरिडा है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये फ्लोरिडा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो होता है यहां का एक प्लेस है, इनका इनका एक प्लेस है दोस्तों मियामी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको जब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वहां पे फ्रेंच गुयाना में एक प्लेस पढ़ाया था, कोरो, कोरो करके पढ़ाया था, मैंने बताया था वो क्या है, सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, किसका दोस्तों, वो फ्रांस का सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का उपनिवेश है था, ठीक है, आज भी बना हुआ है। तो इसी तरीके दोस्तों फ्लोरिडा के जो एक प्लेस है दोस्तों मियामी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मियामी, यहां से दोस्तों क्या होता है अमेरिका के जो जितने भी सैटेलाइट जो लॉन्च हैं वो यहीं से इसी प्लेस से मियामी से क्या होते हैं लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, फ्लोरिडा यहां से दोस्तों, यहां से फ्लोरिडा से ही दोस्तों लॉन्च किए जाते हैं, क्यों यहां से, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन इसके पास होता है। अब जब सैटेलाइट लॉन्चिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब तो वहां पर आप सीखेंगे कि 0 डिग्री के पास से ही क्यों, और दोस्तों ये क्या कहते हैं, ज्यादातर जितने भी स्टेट आपको देखेंगे, जितने भी कंट्री हैं आप उनके कंट्री के देखिए, ज्यादातर वो आपको उनके जो जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग जो स्टेशन बने होंगे जितने भी कंट्री में, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में देख लीजिएगा जिनकी भी दोस्तों क्या है सैटेलाइट लॉन्चिंग क्या है कहां बने होंगे, वो हमेशा उनके कंट्री के पूर्वी भाग में होंगे, हमेशा पूर्वी भाग में, क्योंकि पूर्वी भाग में दोस्तों क्योंकि जो सन होता है वो ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी चीज पूरी भाग में ये समुद्र भी है, जब भी कभी खराब होगा कोई गिरेगा तो समुद्र में अगर गिरेगा, मान लो इधर से बनाया और वो दोस्तों अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और पता चले इसी के साथ में वो भी दोस्तों क्या होता है सेटेलाइट भी लॉन्च क्या करता है दोस्तों रोटेट करता है और पता चले खराब हो जाए वो आगे जाके किसी देश के ऊपर ही गिर जाए, तो इसलिए दोस्तों उसको क्या कर दिया था हमेशा समुद्र किनारे वेस्ट कोस्ट से हमेशा डाला मतलब प्रक्षेपण किया जाए। जैसे हमारे यहाँ देखो हमारे यहाँ क्या है दोस्तों जो उड़ीसा है वहां से आंध्र प्रदेश है वहां से श्रीहरिकोटा है ना, तो यहां से क्या कहता है यहां से लॉन्च किए जाते हैं, उसका रीजन है वो मैं आपको जब आप कहीं साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तब वहां पे जानेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं उसको मत जानिए। तो ये जानिए दोस्तों फ्लोरिडा किस लिए इंपॉर्टेंट है, मियामी है, फ्लोरिडा में दोस्तों एक प्लेस है मियामी, यहीं से दोस्तों क्या हुआ था है? ये दोस्तों किसका है ना सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है किसका दोस्तों अमेरिका का मियामी, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मियामी, ठीक। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, फ्लोरिडा मियामी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, अल्बानी में दोस्तों फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री और न्यूयॉर्क सिटी दोस्तों सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर है, ठीक। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये हो गई हमारी अमेरिका के दोस्तों अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत एक देश है नॉर्थ सॉरी अमेरिका, और उसकी हमने सारी कुछ चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली इसके बारे में तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और इससे मैं कह रहा हूं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई भी बुक्स नहीं खरीदनी, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको नोट्स करते चलना है, उसको क्लास को देखना है, पूरी क्लास देखना है, और जो मैं लिखा रहा हूं उसको नोट्स कर लीजिए और उसका रिविजन करिए, कोई भी बुक्स नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखने का, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको बार बार रिवीजन करना है। हालांकि देखो पढ़ते समय थोड़ा सा बोरिंग होगा, थोड़ा इधर उधर जाएगा, आप इसका उसका पढ़ देंगे, उसका उसमें पढ़ देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दो चार बार जब आप पढ़ेंगे, दो चार बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा, एक चीज की गारंटी। और नहीं भी याद होगा ना दोस्तों तो मैं एक चीज की आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आप क्वेश्चन देख का आंसर देख के ऑप्शन देख के ये पहचान लेंगे कि ये इसलिए फेमस है इसलिए नहीं फेमस है,
ठीक है, क्योंकि इतना जब आपने पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर रखा हो तो आराम से, और यही चीजें होती है पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर लाइक है ना समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी क्लास। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी दोस्तों जरूर शेयर करें, जरूर कहें उनसे कि देखें एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स जो भी हैं आपके, जितने भी जो आपके इंटरनेट सोर्सेज जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं वहाँ जरूर इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग देखें दोस्तों। चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।